गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आप लोग के साथ आज फिर करंट अफेयर की शो में आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेशन कैसा रहेगा मैं आप लोगों को बता दूँ। सेशन की शुरुआत हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह से, उसके बाद हमारी न्यूज़ फॉर्म में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और अगर बीच में कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम कैपिटल करेंसीज वगैरह डिस्कस करेंगे, गवर्नर्स, और ऐसे जो पूरा सेशन रहता है वैसे भी एक एक करके सेशन चलता रहेगा। ठीक है, आज का सेशन काफ़ी अच्छा होने है क्योंकि सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं प्यार से आराम से आप लोगों को समझाऊंगा। आज कल मैं बहुत तेज़ बढ़ा दिया था इसलिए सेशन थोड़ा ख़राब हो चुका था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आज न्यूज़ भी ज़्यादा हैं, न्यूज़ हमारे पास आज कुल मिलाकर के 15 हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने सेशन को पहले MCQs से। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निदेशकों के 41वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कल की न्यूज़ से मैंने बताया था आप लोगों को कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निदेशकों के 41वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया और राजनाथ सिंह जी ने कहाँ किया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा DRDO ऑफिस। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं DRDO के बारे में आपको सब अपने फैक्ट्स हम आपको दे दूँगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में वही है। देखिए, DRDO फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। जो यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है, और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इनके बारे में एक फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि इनको भी जल्द हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड। नेक्स्ट, भारत कजाकिस्तान का 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में समाप्त हुआ। तो कौन सा ऐसा संयुक्त अभ्यास था जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में चल रहा था? तो आप लोग याद होगा मैंने न्यूज़ आपको पढ़ाया था, काजिंद 2019। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, धर्म गार्जियन और चिन्नी मैत्री। ये देखिए, इंडिया जापान के साथ है, एक ऑप्शन यहाँ पर दो बार हो चुका है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भारत की सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने 9 ट्रेनों का शुभारंभ किया है। मैंने आपको यहाँ पर चार ऑप्शन ऐसे दिए कि आप कन्फ्यूज हो जाएँ, अगर आप एग्जैक्टली न्यूज़ पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको याद होगा। सेवा सर्विस, ये कैसी ट्रेनें होंगी? ये वो ट्रेनें होंगी जो कि मतलब छोटे छोटे स्टेशनों को कनेक्ट करेंगी बाकी स्टेशनों से, क्योंकि जो बड़ी ट्रेनें होती हैं वो तो हर स्टेशन पर रुकती नहीं, इस वजह से इन नई ट्रेनों को चलाया गया है जो छोटे स्टेशनों तक भी कॉन्टैक्ट पॉसिबल कर सकें। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार के लिए कनाडाई लेखिका और ब्रिटानियन लेखिका को संयुक्त विजेता घोषित किया। पहली बात मैं बता दूँ कि इस पुरस्कार के जो एक मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल था उसको तोड़ करके दिया गया है, क्योंकि ये पुरस्कार कहीं बट नहीं सकता था, लेकिन इस बार इसको दो अलग अलग लोगों में बांटा गया है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो कनाडियन राइटर थी उनका नाम क्या था और जो ब्रिटेनियन राइटर थे उनका नाम क्या था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ऑप्शन बी और सी, जिसमें आप थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो मैं आप लोग बता दूँ कि जिसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। मार्गरेट एटवुड जो थी वो कैनेडियन थी और बर्नार्डिन एवरिस्टो जो थी वो ब्रिटानियन थी। ठीक है, नेक्स्ट, अब .. ने वर्ष 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके 6.1 किया। पहले वर्ल्ड बैंक ने किया था कुछ एक दिन पहले, और कल किसने कर दिया था IMF ने कर दिया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आप लोग कल एक नई स्लाइड दे दूंगा जिसके तहत आप लोग इसके फैक्ट्स जानेंगे। जितने ऑर्गेनाइजेशन मैं देते जा रहा हूँ उन सबके फैक्ट्स आप लोग नोट करते कहीं जाइए अलग से, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन उठते हैं। स्पेस में चलने वाले पहले मानव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या नाम था उनका? एलेक्सी लेनोवो। ठीक है, बाकी जो चार लोगों का आप नाम देख रहे होंगे, ये चार लोगों को पीस प्राइज मिला है, कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में मिला है आप लोग एक बार उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करेगा माइंड में अपने। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में 16 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ अब हम न्यूज़ पे आ जाते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारी, ये देखिए, जैसे कि सेशन मैं रात को बनाता हूँ तो रात के बाद की जो न्यूज़ अगर आती है कोई तो वो स्किप हो जाती है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हुआ करीब, वो मैं अगले दिन के सेशन में ऐड कर लिया करूँगा। ठीक है, तो पहली न्यूज़ है भारतीय शटल प्रियांशु रजावत, इनका नाम था प्रियांशु रजावत, ने ईसा टाउन में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जीता है। ठीक है, ये न्यूज़ 16 अक्टूबर की थी। इसके पहले की न्यूज़ एक मैं आप लोग को याद कराना चाहूँगा, जो BWF चैंपियनशिप जीती थी, किन्होंने जीती थी? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, अब ये याद करिएगा, प्रियांशु रजावत ने बहरीन इंटरनेशनल ओपन का बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट, भारत आशियान ट्रैक 1.5 संवाद साइबर मुद्दों पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। कौन सा संवाद था? ट्रैक 1.5 साइबर संवाद। ठीक है, अब आशियान क्या है वो आप लोग देख लीजिए, मैं बता दूँ आप लोगों को, आशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आशियान कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। आप लोग एक फैक्ट में और बता दूं कि जो इंडोनेशिया है वो अपनी
कैपिटल से जकार्ता से चेंज कर कहीं और करने वाला, कहाँ और कहाँ करने वाला है ये आप लोग सर्च करके हमको इनबॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वरना मैं कल आपको इसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल आशिया ने कौन है, लिम जॉक होई। ठीक, मेंबर कंट्रीज़ कितनी है इसकी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार जो कि बर्मा के नाम से जाना जाता था, अब म्यांमार हो गया है, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस। इन सबकी मैं लिस्ट अपलोड कर दूँगा कैपिटल करेंसीज के साथ। तो आशियन के बारे में इफेक्ट आपने जान लिया। नेक्स्ट, कैस सईद हैज़ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनिशिया। कैस सईद जो है ट्यूनिशिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, ये बीबीसी पर न्यूज़ थी, वहाँ से ली गई है। अब ट्यूनिशिया की राजधानी कौन क्या है, ट्यूनिश, और वहाँ की जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है, दिनार। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का 35वां स्थापना दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। एनएसजी का जो 35वां स्थापना दिवस था वो किन तरह मनाया गया, 15 अक्टूबर को मनाया गया। ये है क्या, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फॉर्मेशन का हुआ था 1984 में, डायरेक्टर जनरल इसके SS देशवाल जी हैं और हेडक्वार्टर से कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अनामुला गीतेश शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अनामुला गीतेश शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, और करेंसी वहाँ पर क्या चलती है, डॉलर। ठीक है, ठीक है, उच्चायुक्त वगैरह हर एक जगह के तो नहीं पूछे जाते, बट हाँ जिस कंट्री के वगैरह के भी आते हैं एक बार पढ़ लिया करिए, थोड़ा बेहतर होता है, उस कंट्री कैपिटल करेंसी आप लोग जाना करिए। अमृत लुगुन को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ग्रीस सॉरी ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। एथेंस के बारे में आप लोग याद होगा, राज्यवर्धन सिंह राठौर जिस इस वर्ष उन्होंने भारत के लिए पदक जीता था वो उस समय वो मतलब ओलंपिक कहाँ हो रहा था, एथेंस में ही हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना में कार्यरत कर्नल की पत्नी श्रीमती किरण उनियाल ने महिला वर्ग में 3 मिनट में एक पैर घुटने से 163 वार और 1 मिनट में बारी बारी से दोनों घुटने से 120 वार करने के 2 व्यक्तिगत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, कौन से, भारतीय सेना में कार्यरत कर्नल की पत्नी श्रीमती किरण उनियाल ने महिला वर्ग में 3 मिनट में एक पैर घुटने से 263 बार वार किया और 1 मिनट में बारी बारी से दोनों घुटने से 120 बार वार किया। ठीक है, ऐसे ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट, जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, खूंटी झारखंड से ये सांसद हैं और इनको जनजाति कार्य मंत्री ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इनको बनाया गया है। आज नई दिल्ली में ट्राइफेड में वन धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। अब आज का मतलब कि आप लोग जानिएगा, कल की बात मैं कर रहा हूँ, 16 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 16 अक्टूबर रात तक की बात है ये दिल्ली। CPC शर्मा ने 11 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड के सदस्य, मटेरियल मैनेजमेंट और भारत सरकार के प्रधान सचिव के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है, VK यादव, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो है VK यादव जी हैं। ये PC शर्मा क्या बने वहाँ के सदस्य के रूप में, किस तौर पर मटेरियल मैनेजमेंट के काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, श्री JPS चावला ने आज यहाँ वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक का कार्यभार ग्रहण किया है। किसका कार्यभार ग्रहण किया, महालेखा नियंत्रक का, किसने, श्री JPS चावला जी ने। नेक्स्ट, कप्तान मोहम्मद नवीद सहित UAE की राष्ट्रीय टीम के 3 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC ने बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है, मतलब उनका सस्पेंशन हो चुका है। राष्ट्रीय टीम मतलब उसी टीम के बल्लेबाज शेमान अनवर और दाएं हाथ के गेंदबाज कादिर अहमद को इनके साथ मतलब सस्पेंड किया गया है। UAE की कैपिटल क्या है, मैंने आपको कल बताया था, अबू धाबी है और वहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम चलती है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी का उन्मूलन, गरीबी खत्म करना, कब मनाया, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही थी इस बार की, एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रेन देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी, मतलब समाज को, उनके परिवारों को और बच्चों को मजबूत करना और गरीबी खत्म करना, ये उसकी थीम रही थी। 17 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, UN.org से न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी हाल ही में जारी किया गया उसमें भारत की जो रैंक है काफ़ी चिंताजनक है, 102वें नंबर पे भारत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस पर खाद्य सुरक्षा मित्र योजना
शुरू की। तो आप लोगों ने क्या जाना 16 अक्टूबर को एक चीज़ और क्या थी, विश्व खाद्य दिवस थी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आज की है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक फिलीपींस और जापान की यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए जो राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट अगर सॉरी प्राइम मिनिस्टर हमारे किसी भी कंट्री में यात्रा अगर जाते हैं तो वो न्यूज़ देख लेनी चाहिए, उसकी जिस कंट्री में जाते हैं उसकी कैपिटल करेंसी वगैरह देख लेनी चाहिए। फिलीपींस की कैपिटल आप लोगों को मिल जाएगी मनीला, और क्या कहते हैं वहाँ का करेंसी जो रुपया है, और जापान की करेंसी टोक्यो, ये मैंने आपको बताया था पहले। तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं, मुझे उम्मीद ऐसी होगी आप लोग सेशन अच्छा लग रहा होगा, और कई बच्चे ऐसे होंगे जो अंत तक सेशन को देखते हैं, बट फिर भी मैं अभी कोशिश करूँगा कुछ दिन और ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल सके प्रॉपर, और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे सेशन हमारा बेहतर होता चला जाएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।